हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों टू मिनट्स इंजीनियरिंग आज आज का 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 वीडियो वाकई बड़ा होने वाला है दोस्तों, आज का मुद्दा है भैया डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई क्या बवाल है ये डायगेल मैट्रिक्स इसको जरा समझते हैं यार आज के इस वीडियो में देखो यार सिंपल सी बात है मैट्रिक्स तो अभी तक अपन समझ चुके हैं जान चुके हैं तो क्या इसका मतलब जैसा नाम से इसका काम अगर निकालने की हम कोशिश करें तो क्या सिर्फ इसमें डायगनल एलिमेंट्स ही होते हैं और बाकी एलिमेंट्स का क्या गए तेल लगाने भाई अपने को क्या लेना देना है यहाँ पे डायगनल मैट्रिक्स आप किसको कहोगे ये जरा मैं आपको बता देता हूँ सी ये जो आपके ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये आपके ए आई जे जो हैं जिसमें ए इक्वल टू जे होता है जिनको अपन बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स ये आपके क्या हो जाते हैं डायगनल एलिमेंट्स मैं इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ लेकिन जो दूसरा पहलू है यानी कि जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं जहां पे मेरा i इज नॉट इक्वल टू j, इस वाली सिचुएशन में मेरे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए बात आपको समझ में आ रही है यानी कि इन सिंपल वर्ड्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, आपके सारे के सारे सब के सब जीरो होने चाहिए मतलब यहां पे भैया ये जीरो लगा दिया ये जीरो लगा दिया ये भी लगा दिया ये भी लगा दिया ये भी लगा दिया तो सारे के सारे जो आपके नॉन डाइग्नल एलिमेंट्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको मैंने जीरो कर दिया। अब जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में क्या भैया ख्याल जरा जरा ये भी बता दीजिए सी तो जहां पे आपका आई इक्वल टू जे होगा यानी कि जो आपके डायगनल एलिमेंट होंगे वहां पे वो एलिमेंट्स इधर दे आर इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एज पर द डेफिनेशन डायग्नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्ट्रिक्टली ये फॉलो करने को आपको कहती है कि आई नॉट इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट यानी कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली जीरो होने चाहिए बाकी डायग्नल एलिमेंट्स में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जीरो हो या नॉट जीरो हो या कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ता अपने को तो दैट इज हाउ द डायग्नल मैट्रिक्स इज फॉर्म वन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो दोस्तों जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर मैं आपके सामने कुछ ये वाली मैट्रिक्स रख दूं जैसे कि फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अगर मैं समझ लो आपके सामने ये मैट्रिक्स रख दू तो अभी सबसे पहला सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है ऑब्वियसली नहीं है क्यों वन ऑफ द रीजन ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा और दूसरा रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है एक्चुअल में जो आपकी डायग्नल मैट्रिक्स है इट शुड बी स्ट्रिक्टली अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो भैया वो आपका डायग्नल मैट्रिक्स नहीं बन सकता चलिए अगर एक सवाल मैं आपसे पूछ लूँ मज़े के लिए ओके कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी अभी बनाई है इसके डायग्नल एलिमेंट्स जरा मुझे गिनाइए कौन कौन से हैं ज़रा बताइए है, कमेंट सेक्शन में बताइए थोड़ा पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और फिर बताइए तो बहुत सोच विचार के बाद कई लोगों ने यह भी कमेंट किया होगा कि यार इस मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसके डायग्नल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या आप सही हैं इस मामले में सही नहीं है क्योंकि यहां पे जब मैं डायग्नल एलिमेंट्स की बात करता हूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट ए जे जे या फिर ए आई आई कुछ भी बोलो यार कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां पे ए इक्वल टू जे होना चाहिए दैट्स इट तो ये वाले एलिमेंट जैसे कि ये ए वन वन ए टू टू ए जो वन सिक्स और 11 ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोस्तों ये चीज आपको समझनी है डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगनल एलिमेंट्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको ये डायग्नल मैट्रिक्स वाला फंडा, है डायगनल एलिमेंट्स वाला फंडा पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा अगर हो गया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो